पकड़ ली है, चलो पकड़ लो पकड़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। और यार ये जो हमारे बेंटम्स थे, ये वाले ब्लैक वाले, ये हमारे सेटअप से जा रहे हैं। ये हो गया जी सेल हो रही है भाई लेने। भाई आपका क्या नाम है? अजीम। ये अजीम भाई आए हैं जी लेने। ये मेरे वो अलग से कस्टमर आए थे, ये उनको मैंने सेल कर दी। अब इसकी जगह हम आज इंशाल्लाह एक दो नई चीज़ें और लेने जाएंगे। तो ये आप जा रहे हैं बस आखिरी मरतबा की वीडियो की, एक मरतबा इनकी ज़रा तसली से बना लेते हैं। ये देखें तो अब हम हो सकता है कोई और चीज़ लेने जाएँ आज। ये भाई आए हैं, बाकी मैंने खोल दी हैं। अब भाई को पहले अलविदा करते हैं और फिर बाकी आपसे फिर बात करते हैं इंशाल्लाह। तो दोस्तों वो जो बेंटम थे हमारे, वो तो भाई लेकर चले गए हैं। अब हमने लानी है जी इंशाल्लाह कोई और चीज़, क्योंकि वो जो हमारी बेंटम थी अभी तक उन्होंने कोई अंडा नहीं था दिया जब से आई थी। ना वो बाहर निकलती थी, ना वो बाहर फिरती थी, बस अंदर ही दाना डाल दिया, खाना पी लिया, बस अंदर ही वो बैठी रहती थी। तो इसीलिए हमने उनको कर दिया है जी सेल। वो भाई आए हैं वापस लेकर भी चले गए हैं जहाँ से आए थे। अब हमने इंशाल्लाह उसकी जगह पर लानी है कोई और चीज़। अब मैं वो देख रहा हूँ कि क्या लाएँ, सोच रहा हूँ। अब इंशाल्लाह हम जाएंगे लेने वो, और फिर उसकी भी वीडियो आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह साथ साथ। तो दोस्तों आगे जो हमने बेंटम सेल किए थे, मैं उसके बाद दिन में सारा बाहर फिरता रहा हूँ, रात हो गई है काफ़ी। तो मैं फिर आया हूँ घर, तो मैं इनको मुर्गियों को खोला अपनी सब, ये फिर रही है कुछ। रात का टाइम है, रोशनी भी बड़ी कम है ऊपर। तो वो जो हमारी कोई चीज़ नहीं मुझे समझ में आई, मैं क्या लेके आऊँ क्या नहीं, गया तो था मैं लेने। और घर आते ही मैंने एक चीज़ देखी है कि जो हमारी असील मुर्गी थी पहले, जिसका नाम हमने रखा है जी ब्राउनी, वो ये बैठी हुई है, ये चली गई है जी अल्हम्दुलिल्लाह कुड़क पे। तो आज इसको चेक करने के लिए मैंने मिजान को ऊपर बुलाया था, उन्होंने देखा, उन्होंने पहले रखी भी हुई थी कि कैसे जाती हैं कुड़क पे कैसे नहीं, उनको पता था, उन्होंने मुझे बताया। तो अब हमारी जो असील मुर्गी है वो तो कुड़क पे चली गई है, हम इसके नीचे अब रखेंगे इंशाल्लाह अंडे। बस ये एक आधे दिन में हम कन्फर्म कर लेंगे कुड़क पे गई भी है या कि नहीं। तो बाकी हमारी ये जो डब्स वगैरह हैं, इनके लिए भी अम्मी जाने भी देख के गई हैं, ऊपर आई थी खरगोशों के लिए भी। तो वो कह रही हैं कि इनके जो हमारी वो जो वो रह गया हुआ, उसमें हमारा एक बजी रह गया हुआ, उसको हम करेंगे लवबर्ड के साथ शिफ्ट। तो पिंजरा खाली करके अपनी डब को या अपने कबूतरों को हम डब्स को उसमें ना पिंजरे में डाल देंगे, ताकि अगर इन्हें भी अंडे वगैरह देने हो तो उधर के कबूतर तो ऐसे ओपन में भी दे देते हैं, नहीं तो इनके लिए भी पिंजरा ले आएंगे एक और। अब मेरा ये जहन है कि वो वाला पिंजरा फ्री कर लें, मैंने बजीज नहीं लाने, बड़े बजीज लेके देख लिए हैं, वो कोई भी नहीं बचता, मर जाते हैं अंडे भी, ये वो सारा मामला तो आपने देखे हुए हैं जैसे कि। तो इसके लिए तो मुझे नहीं अब समझ आ रही मैं क्या करूँ। हमने अपनी जो दूसरी है देखें जी अबूजर ने इसको अपने हाथ के ऊपर बिठा लिया डब को, इसने टेम कर ली हुई है तकरीबन। ये हमने अपनी जो मुर्गी हुई है कुड़क पे, उसके लिए ये वाला पिंजरा करना है तैयार। ये एक्स्ट्रा ही पड़ा हुआ था, ये इसका दरवाज़ा टूट गया था, ये मैंने हथौड़ा मंगवा लिया, ये मंगवा लिया जी छैनी। और मैं अभी इसको तैयार करता हूँ, इसका भी लोग आपको दिखाते हैं साथ साथ। ये पिंजरा तैयार करते हैं और सुबह हम इंशाल्लाह अपनी मुर्गी को अंडों के ऊपर बिठा देंगे। तो अभी इसको तैयार करते हैं, ये गंद वगैरह इसमें से निकालते हैं, और फिर इसका ये जो दरवाज़ा लगने वाला है, दरवाज़ा वगैरह लगा कर इसको ओके करते हैं। जो दरवाज़ा टूटा था, मैंने मुर्गी वगैरह सारी बंद कर दी हैं, यहाँ से जहाँ उसके कब्ज़े लगते हैं दोनों, ये सारा हो चुका था जी ख़राब, यहाँ से दरवाज़ा निकला था। तो मैंने उसको तो सही कर दिया और रात हो चुकी है काफ़ी, बाकी हम करेंगे काम सुबह आके, दरवाज़ा वगैरह लगा के इसको हम कर देंगे पक्का। और फिर हम इंशाल्लाह इस पिंजरे को साफ़ करके इसमें बिठाएंगे हम अपनी मुर्गी कुड़क पे। तो मिलते हैं आपसे सुबह इंशाल्लाह, नेक्स्ट जब मॉर्निंग होगी तो फिर उसके साथ लेकर हम अपने व्लॉग को आगे चलेंगे। ठीक है जी, सुबह तक वेट करें, फिर आगे की जो वीडियो बनाएंगे हम आपको सुबह दिखाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, रात हो चुकी थी काफ़ी कल, तो अभी मैं आया हूँ वापस जॉब से। तो अब हम ये मुर्गी जो हमारी गई है जी कुड़क पे, ये वाली ये भी आई है बाहर, हमने इसके नीचे एक मैंने ना अंडा रखा भी था, तो वो अंडा ना सिर्फ ज़मीन पे ऐसे ही रखा था कि ये गई है कि नहीं चेक करने के लिए, उसके ऊपर बैठी है कहीं दबाव हुआ तो वो अंडा गया टूट। अब हमने जो इसको बिठाने का सेटअप सोचा, वो सोचा जी हमने मास्टर केज में, तो मास्टर केज में इसीलिए बिठा रहे हैं कि ये देखें जो मास्टर केज में ये नीचे वाली जगह है ना, इस साइड पर हम पिंजरा रखेंगे और उसमें बिठा देंगे, और पिंजरा होगा ये वाला जो हमारा बजी है, उसके अंदर बजी को और अपने हम लव बर्ड को दोनों को कर देंगे इकट्ठा। ये आया हुआ मेरे मामू का बेटा, इसने कभी परिंदे वगैरह पकड़े नहीं है, तो वो डर रहा है इनसे, मुर्गों से भी डर रहा है, वो बस ये ऐसा ही है। अब हम इसको बजी का और ये जो हमारा लव बर्ड है इनका पिंजरा इकट्ठा करते हैं, फिर हम वो वाला पिंजरा फ्री करते हैं अपने बजी का, और उसको यहाँ पे नीचे उसमें बूरा वगैरह डाल के जैसे भी होगा
हम अपनी मुर्गी को अब इंशाल्लाह आज अंडों के ऊपर बिठा देंगे। आज हमारा ये काम है। पहले मैंने सोचा था कि हम उसको बिठाएंगे, वो जो बाहर वाला पिंजरा है हमारा ये वाला, इसको सही करके ये वाले को, इसमें से गंद वगैरह निकाल के। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, हम इसको मास्टर केज के अंदर एक सेपरेट ही बिठाएंगे। इसको अंदर ही दाना वगैरह डाल के अंदर जब निकलना हो बाहर निकले फिरे और फिर उसके बाद अंदर चली जाए। अब इसका ये सेटअप इंशाल्लाह बनाने का मैंने सोचा है। तो इसको उसके अंदर डालते हैं, शिफ्ट करते हैं उसका जो बजिया हमारा, उसमें माँ उसके साथ लवबर्ड के साथ, और फिर उनको इकट्ठा छोड़ते हैं और पिंजरा खाली करके हम इसको लेके जाएंगे। अब उसमें शिफ्ट करने के बाद मुर्गी के अंडे वगैरह उसमें सेटल करने की जब कोशिश करते हैं, और आज फिर हम इंशाल्लाह इसको मुर्गी के अंडों के ऊपर बिठा देंगे। तो दोस्तों, मैं और ये मेरे मामू का बेटा फादी, हम दोनों जाएंगे, फाहद अब अंदर जाएंगे। तो जाके उसको जो पिंजरे में हमने शिफ्ट करना है बज्जी को, हम उसमें करते हैं और उसकी भी वीडियो आपको साथ साथ दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये अब फादी निकालने लगे जी, वो पिंजरा बाहर नहीं निकल रहा। बाहर नहीं निकल रहा, तो वो कुछ उतार लेते हैं ना पहले, कुछ उतार लो तो फिर निकल आएगा। अब निकालना तो है, आज ये काम इसका खत्म करना है। दोनों एक एक ही रह गए हैं, ये फीमेल है पता नहीं, वो लव बर्ड मेल है कि फीमेल है उसका भी नहीं पता हमें। तो दोस्तों, अब ये फाहद जो है इसको निकाल रहा है और ये निकलता है। अब इसको फिर निकालते हैं, उसको कुछ उतारते हैं नीचे। पहले मैं कुछ उतार देता हूँ उसको, फिर वो पकड़ेगा और उसमें शिफ्ट कर देते हैं। तो अभी मैं इसको पहले जो है ना उतार लूँ, उसकी भी वीडियो आपको साथ साथ दिखाते हैं कैसे उतारना है। तो अब ये फाहद, ये मैंने कुजा तो यहाँ से खोल लिया। अब ये देखें, ये नीचे गिर रहा है, सिर्फ मैंने ये हाथ में अपने एक तार पकड़ी हुई है इसकी। अब ये फाहद इसके अंदर हाथ करता है, कुजे को हाथ में आराम से पकड़ेगा और फिर इसको नीचे रख लेगा। सीधा कर ले, घुमा ले पिंजरा। एक मिनट में कपड़ा कपड़ा ले लो, चलो ले लो। अभी पहले कुजा उतार, वो बाहर आने की कार है वो। अच्छा चलो, आने दो आने दो। मैं इसके नीचे हाथ रखूँ, छोड़ दूँ? और ये देखें दोस्तों, ये कुजा तो हमने उतार लिया। अब इसको नीचे रखते हैं, कुजे को इसके ऊपर से ही पकड़ ले, इसके ऊपर से ही पकड़ ले। और ये देखें दोस्तों, ये फादी पकड़ने लगा उसको, हमारे बज्जी को। अब पकड़ा जाता है कि नहीं, इससे पकड़ लिया, चलो पकड़ लो पकड़। क्या कपड़े के अंदर से नीचे की काट दिया यार, इतनी जोर से थोड़ी काटता है जितना आपने शोर कर दिया। खुद ही पकड़ो भाई, मैंने नहीं पकड़। और दोस्तों, ये अगेन फाद भाई पकड़ने लगे हैं और देखते हैं क्या बनता है। हमारे हसन साहब होते हैं, उन्होंने फादी पहले वो पानी वाली उतार ले, अंदर सारा पिंजरा गंदा हो रहा है। पानी वाली उतार ले और ये इसका नीचे जो सामान पड़ा भाई अभी तो उठा ले, उठा ले। वो दूसरे में घुसने लगा ओला। और दोस्तों, वो देखें, वो दूसरे कुजे में घुस गया। अब हम इसका दूसरा कुजा भी खोलेंगे। वो डायलॉग तो आपने सुना होगा, छीमे आज नहीं, आज इसके साथ भी यही होगा, छीमे आज नहीं, आज नहीं, तेनों अजन फाड़ लेना। मैं खोल रहा हूँ फादी इसको, ठीक है? चलो। ये देखें, ये फाहद भाई फिर पकड़ने लगे हैं। पकड़ लिया? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओला गुड्डा खोल। और ये खुला ही हुआ है वो। सही है सही है सही है सही है सही है, चिकनी काट रहा है। और ये देखिए दोस्तों, ये काटने की कोशिश कर रहा है। और ये गया हमारा बजी जो है अपने नए घर में लव बर्ड के साथ। और ये देख, और ये देखें वो पिंजरे को भी काट रहा है। और ये देखें दोस्तों, कितने गुस्से में है वो इस टाइम। और उनकी लड़ाई हो गई है, काम खराब हो गया। तो दोस्तों, हमने ये जो हमारा बजी था इसको तो हमने लव बर्ड के साथ शिफ्ट कर दिया अंदर। ये देखें, ये आ गए हैं दोनों। और ये अब लड़ रहे हैं, हो जाएगा सही, खुद ही हो जाएगा जब 2 दिन देंगे ना, 1 दिन आपस में। और दोस्तों, अभी हमने इनको शिफ्ट कर दिया और अब ये जो पिंजरा है इसको अच्छी तरह साफ करते हैं, बल्कि साफ ही उस दिन किए थे। तो अब इसमें हम वो जो बूरा वगैरह वो रखते हैं, पराली ले आया हूँ, पराली सॉरी ले आया हूँ, तूड़ी नहीं लाया, तूड़ी मैं फाहद को भेज के मंगवा लेता हूँ। और इसमें इसको शिफ्ट कर देते, क्या कर रहा है और उनकी दोस्ती करवा, इसको शिफ्ट कर देते हैं इसके अंदर और फिर हम इसको इंशाल्लाह जो है ना मुर्गी को अपनी कुंडे पे बिठा देंगे। तो दोस्तों, हमने ये डिसाइड किया है कि वो जो पिंजरा हमने उतारा है उसमें वो चीज़ आ नहीं रही कोई भी छोटी, जिसमें हम मुर्गी को ऊपर अंडे के रख के अंडे बिठा सके मुर्गी को। हम अब जाते हैं कोई चीज़ लेके आते हैं, कुनाली टाइप जो होता है कुंडा सा लकड़ी का, वो हम लेके आते हैं, वो उसमें रखेंगे पिंजरे में, सॉरी मट्टी का, मैं लकड़ी का बोल रहा था, वो लेकर आते हैं उसमें फिर हम बिठा देंगे इंशाल्लाह अपनी मुर्गी को अंडों को। तो दोस्तों, अब हम रखने लगे हैं जी जो अपनी मुर्गी है। ये देखें जी, हम ये अंडे ले आए हैं, ये भी इसमें अंडे हैं
इसमें हमने बिठाने का सोचा था जो लकड़ी का लाए हैं, लेकिन इसमें तो नहीं बिठा। ओ यार मट्टी का, बार बार लकड़ी की बोली जा रहा हूँ। मट्टी का लाए हैं लेकिन इसमें नहीं। अब हमने सोचा कि इसमें हम बिठाएंगे, ये जो हमारे पास दाबड़ा है ये इसमें बिठाएंगे, और ये तूड़ी वगैरह मैं ले आया हूँ साथ। मीजान आ गई हैं इधर, ये सारे खड़े हुए हैं, ये अबू बकर भी आ गया। जब पहली मरतबा जिंदगी में जो है ऐसा काम करने लगे कि मुर्गी के नीचे अंडे रखने, ऐसा जो भी सीन है इनका, वो हमने जो पिंजरा था वो भी रेडी कर लिया। हाँ जी बोलो क्या हुआ। कैमरे के सामने शर्मा देते ये नहीं बोला, तो अब हम इसमें रखते हैं, वो तूड़ी वगैरह डालते हैं, फिर अंडे रखते हैं और बिस्मिल्लाह करके अपनी मुर्गी को उसके ऊपर रखते हैं, फिर आज बिठाते हैं इंशाल्लाह। दोस्तों अब हम डाल रहे हैं जी ये बूरा, अभी पिंजरे में सारा ये बूरा डाल देंगे, और ये देखें ये साइड पर फाहद ने ये डाल रहा है। अब माशाल्लाह मामा पहन आया, और ये देखें जी अबू बकर भी आ गया, ठीक है ये देखें जी। और अब हम इस साइड पर डाल रहे हैं बूरा, ये पिंजरा वगैरह साफ कर लिया हुआ था हमने पहले ही, और ये देखें ये आ गया। सही तरह फैला दो, सही तरह डालो और डालो। चलो इसको हाथ के साथ इधर भी फिलाओ सारा, पहले ये कढ़ाई निकाल लो ना बाहर। नहीं इसके नीचे जो डाल दिया, डाल दिया। और ये देखें दोस्तों ये आ चुका है जी बूरा, इसके नीचे हमने डाल दिया। चलो बस फादी इसको लेवल कर दे, वो कोनों में भी सारे कर दिया, ठीक हो गया। और ये देखें जी दोस्तों हमने ये बूरा वगैरह डाल दिया सारा, इसका हमने लेवल कर दिया। अब ये रख दे सीब इसके नीचे कढ़ाई, बस कर फादी बस कर, वो बाहर आने लग गया। और ये देखें दोस्त अब इसमें हम डालते हैं तूड़ी, डाल फादी तूड़ी, बिस्मिल्लाह पढ़ के डालो पूरी। और ये देखें दोस्तों चल डालने डालने दे डालने, वो आप उधर देखो ना, आप कैमरे में ना देखो। चलो ये देखें दोस्तों ये आ गई जी तूड़ी, ऊपर से ना छोड़ पड़ी। और बहुत होगी मेरे ख्याल से इतनी तूड़ी, इसको आप लेवल कर दो। ये दोस्तों अम्मी जान कह रही हैं बस बहुत है, इतनी तूड़ी और ना डालो। और ये मेरी बेटी ने भी डाल दी है जी सिमल ने, ये भतीजी है मेरी। और ये देखें बस बस कर दो फादी, ठीक हो गया। और ये देखें फहद भाई इसका कर रहे हैं जी लेवल। और दोस्तों अम्मी जान कह रही हैं कि सारे अंडे जो हैं ये रखो पहले इसमें छाननी में। और ये एक हम लाए हैं जी, ये जो बाजार से अंडा मिलता है वो मैंने तो इसमें कहा था नहीं निकलेगा, अम्मी जान कह रही थी रख के देखो शायद निकल आए बच्चा कोई। और ये हमारे पास अंडे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह 19 मुख्तलिफ हैं, बीच में बेंटम्स के भी हैं, बीच में जो देसी हैं वो भी हैं, असील के भी हैं। ये देखें जी अबू बकर कह रहा है मुझे भी दिखाएं। और ये हमारे माशाल्लाह होने वाले हाफ साहब भी रख रहे हैं, और जो आजकल के हाफिज हैं इनसे अल्लाह बचाए, ये भी साथ हम दुआ करेंगे। और ये देखो अम्मी जान कह रही हैं कि रख दो। और ये देखें दोस्तों ये भी हम असील के कुछ अंडे थे वो हमने लाग ही रखे हुए थे, वो जो हम ब्लैक वाला मुर्गा और मुर्गी लाए हैं ये उनके क्लच में से हैं। और दोस्तों ये देखें अब ये हमारे आखिर वाले चार अंडे, एक मरतबा गिनती कर लो कितने हैं, 19 होने चाहिए या 20 ना हो जो देख लो, 19 पूरे हैं गिनती की है, मुझे तो नीचे 19 ही लग रहे थे, ठीक है। और दोस्तों ये आ गए जी छाननी में अंडे, अब इनका क्या करने भी अम्मी जान से पूछेंगे। दोस्तों अम्मी जान कह रही हैं कि अब मुर्गी लाओ। और ये देखें जी हमारे हसीब भाई मुर्गी पकड़ने लगे, अब वो नीचे बैठी हुई है अकेली, इसके आगे ये लगा दो शीट नहीं आते, अब मुर्गी पकड़ो। और ये देखें दोस्तों वो आगे से काट रही है, मैं वीडियो नहीं बना पा रहा उसकी। और ये आ गई जी हमारी मुर्गी जो कुड़क हुई है, अब उधर आप दरवाजा बंद करना फौरी, बंद करो बंद करो बंद करो, नहीं आते नहीं आते इतनी जल्दी। चलो बस बस आराम से उसका मुंह ना आ जाए। ये हमने दोबारा कर दिया जी मुर्गे बंद, और ये इनके आगे आ गई जी इनकी शीट आ गई, और ये आ गई इधर। अब अम्मी जान से पूछते हैं क्या करना है इसके, अब मुर्गी लेके जाते हैं उधर। दोस्तों ये देखें अब अम्मी जान रखेंगी जी अंडे पहले, सबसे पहले बिस्मिल्लाह करेंगी। और ये देखें जी ये अम्मी जान जगह भी बना रही हैं, क्योंकि उन्होंने बैले भी रखे हुए थे, अब ये तो मैं फर्स्ट टाइम रख रहा हूँ। ये रखे जी मेरी अम्मी जान ने, ये रखेगी अब मेरी बेटी सिमल। और एक एक पकड़ाओ फाती उसको, एक एक पकड़ाओ, ए सबर करो अबू बकर कह रहा है मैंने भी रखने, ये तो लड़ाई हो गई है शुरू।
और ये देखे अब अबू बकर को पकड़ाओ फादी उदूस एक भाई आराम से रखना आराम से चलो बस पीछे हो जाओ चलो आओ अबूजर अब अबूजर आएगा जी अबूजर रखेगा अंडे ठीक है जी ये देखें जी दोस्तों और ये रख दिए अबूजर ने तो सब्र करो आप उधर देखो ना मैं इधर क्या दिखाऊं आपको चलो आप हमारे हाफ साहब रखेंगे जी इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ते जाओ रखते जाओ और अब हसीब भाई को बोलो ना हसीब भाई रखे और ये देखें जी ये सारे रख दिए जी हसीब भाई ने और अब बारी आ गई है जी दोस्तों मेरी अंडे रखने की और एंड पे जिसने इतनी मेहनत की हुई है उसको कुछ भी नहीं सिर्फ और सिर्फ ये चार अंडे मिल रहे हैं दो ही हमारे हाफ साहब ने मेरे हाथ पे रखे हैं और दो वो हैं अब मैं ये रखता हूँ हमारा भी लोग बनाएंगे हमारे हाफ साहब दोस्तों ये देखें जी अब मेरी बारी अंडे रखने की है मैं रखने लगा हूँ अंडे और दोस्तों आप सबसे गुजारिश है कि दुआ कीजिएगा पहली मरतबा हमारे घर ऐसा कोई सीन हो रहा है जो मैं कह रहा हूँ और ये अंडे निकल आए और अच्छे अच्छे निकल आए कोई अंडा खराब ना हो गंदा ना हो सबसे दुआओं की अपील है बाकी अब ये रखते हैं तो मुर्गी को बिठाते हैं फिर अपना ही लोग एंड करते हैं इंशाल्लाह दोस्तों मैं ये पिंजरा उठा के लेके जाने लगा हूँ अंदर और जहाँ हमने मास्टर केज में बिठाना है अपनी मुर्गी को इंशाल्लाह और यार ये काम खराब हो गया नहीं नहीं ये काम हो गया जी खराब अब इसको हम रखेंगे यहाँ अगेन और दोस्तों ये देखें ये मैं पिंजरा रख दे रहा हूँ इधर फिक्स ही नहीं हो रहा नहीं लग रहा पिंजरा जगह छोटी है जगह छोटी है पीछे अबू बकर आप पीछे हटो अबू बकर आपको बहुत जल्दी है ये देखिए मेरा देने लो चुप रहा मत नहीं नहीं रहा और दोस्तों हमने ये रख लिया जी इसको इधर इसमें जो सेटअप करना था वो हमने जो फटाकर लगाया था हमने इस तरह लगा दिया उसके अंदर कर दिया और अब हम अपनी मुर्गी को बिस्मिल्लाह पढ़ के इसके अंदर छोड़ते हैं और ये हमने कर दिया अबूजर आप तो साइड पे हो इसके दाने का इंतजाम मैं सुबह इंशाल्लाह अंदर ही कर दूंगा हम दाना अंदर डाल देंगे और यहाँ ताला पड़ा हुआ था एक इसके लिए किधर ये और ये हम इसका ताला लगा देंगे जी इधर और अब इसके बैठने का दोस्तों हम इंतजार करते हैं अंडों पर बैठती है कि नहीं वो अंडे तोड़ रही है नहीं। वो अपनी नीचे करने की कोशिश कर रही है लेकिन अभी मैं उसको पकड़ के ना उसके ऊपर रखता हूँ अंडों के फिर उसको पता चल जाएगा वो ये पकड़ो आप मोबाइल और ये देखें दोस्तों अब हमारी मुर्गी अल्हम्दुलिल्लाह अंडों के ऊपर बैठ गई है और ये कर दिया जी हमने इसको बंद ये आगे बैठी रहेगी हाँ ये आते बैठी रहेगी ये अबू बकर बताएगा अब ये क्या करेगी बताओ क्या करेगी बैठी रहेगी इधर अंडों में बैठी रहेगी और दोस्तों ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुर्गी अच्छा जी अबू बकर के लिहाज से अभी भी उसको दो तक गिनती आती है तो दो ही अंडे हैं वो ऐसा ऐसा कर रही है अपने नीचे और वो अंडों को मैनेज करने की कोशिश कर रही है अपने नीचे और दोस्तों बाकी इसकी अपडेट आपको सुबह इंशाल्लाह देंगे तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है कंटेंट पसंद आया अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आप तक फौरी मिल जाए नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक अल्लाह हाफिज़।